ओहो भाई ने, भाई ने। अरे यार, तो उस दिन अचानक चला गया, मुझे किसी ने बताया तुम्हारे दादा टपक गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मतलब उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। वैसे दादाजी कैसे लुढ़क गए? उम्र हो गई। कोई बात नहीं मित्रक, अब कुछ भी करने से दादाजी वापस थोड़े ना आएंगे। संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसमें? लड्डू खाएगा? मृत्युभोज वाला है? हाँ। नहीं यार, मैं मृत्युभोज नहीं खाता, मैं इसे पाप समझता हूँ। भाई चड्डी न्यू ले ली? हाँ भाई। कितने छेद हो गए? 15-16 हो गए थे। मतलब चलनी चलनी हो गई? हाँ यार, तभी न्यू। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, पार्टी। नहीं, बड़ा सेलिब्रेशन कर देते। पापा 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 पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। मैं एक बार घर चलूंगा पापा। अरे बात करने आए, कौन रोक रहा है यहाँ पे? सर। वेलकम सर, वेलकम सर। सर मस्ती मत कर रहे। पापा है? प्रोफाइल में देखकर बिल्कुल नहीं लगता आपकी हाइट छोटी है। हाँ। अब पता लग गया जी। देखो, हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया है, एकदम घर जैसा माहौल। बाकी अपनी माँ को डाकन कोई नहीं कहेगा। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, मनोरंजन करा दिया जाएगा, और ये जरूरत की सामग्री जैसे तेल, साबुन, शैम्पू हॉस्टल की तरफ से कतई नहीं दिया जाएगा। रही बात फीस की, आपको पता ही है 40,000 है, 20,000 बच्चा ज्वाइन करते ही। चाय बनवाऊं? अरे रामू। बाबा। क्या हुआ बेटा? पापा। 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 क्या है पापा? पापा सुनी चुंगले। रिलैक्स सर, आपके पास वो सिस्टम नहीं है। मैं आपके साथ घर चलूंगा पापा, नहीं रहूंगा। बेटे टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, मैं हूं तेरा बाप। तुझको मुझ में अपना बाप दिखाई देगा, लिख के ले ले। हॉस्टल का मुख्य नियम, हॉस्टल के किसी लड़के का बाप समझो अपना बाप, आते ही पैरों में गिरना है। अंकल बढ़ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। देखो बेटा, आज के बाद मेरा बेटा आपके साथ रहेगा, तो उसका थोड़ा ख्याल रखना। बेफिक्री अंकल जी, अब आपको बेटा समझो, हमारा बेटा। कमाल है यार, यहाँ पे तो हर कोई बाप बना बेटा है। भाई भाई अंकल जी, भाई मतलब आपका बेटा हमारा भाई, हम ये समझेंगे हम एक ही माँ के बेटे। बेटे यहाँ बैठ। ठीक है सर, ख्याल रखना थोड़ा। बिल्कुल। पागल है क्या? चुप रहे, चुप रहे। हाथ नीचे कर बेटा। पागल है क्या? देख तेरी तरह और भी बच्चे हैं। मैं तेरे बाप जैसा ही हूँ ना। चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। अरे चुप रहे। वार्डन डिल्लू दादा और रसोईया रामू के बाद हॉस्टल को बैकग्राउंड पर एक और बंदा संभाल रहा था, वो था मैं। गुप्त रूप से हॉस्टल की बागडोर मैं ही संभाल रहा था। हॉस्टल का बच्चा बच्चा वाकिफ था कि किसी भी प्रकार का काम निकलवाने के लिए उनको मेरी शरण में आना पड़ता था। जोगिंदर। हाँ भाई। जो बच्चा है ना आज, हाँ, थोड़ी उसको अपने बारे में जानकारी दे दे। हाँ भाई। जोगिंदर मेरे अंडर में काम करता था, वो हॉस्टल ज्वाइन करने वाले हर नए बच्चे को मेरे उसूलों के बारे में जानकारी देता था। यार क्या उदास बैठा है, सिर्फ 2 दिन ही अच्छा नहीं लगेगा, 30 दिन मजा आने लगेगा। मैं तेरे को हॉस्टल के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। अपनी हॉस्टल में सिर्फ एक ही चमू है। कौन? वो तेरे को देख रहा है ब्लू टी शर्ट में? हाँ। वो कोई भी काम निकालने के लिए उसकी झूठी तारीफ कर देना। हाँ।
उसको ये फील करवा देना कि इस हॉस्टल का बाप वही है, बाकी गधा है एक नंबर का। क्या हुआ हॉस्टल में? तू किसी से डरे या ना डरे, इस आदमी से जरूर डरना है। कौन है ये? रामू। यहाँ क्या कर रहे हैं? रसोई है, गलती से रसोई में पाँव मत देना। क्यों? पिछली बार एक लड़के ने पाँव दिया तो आज उसके पैर में रोड लगी पड़ी है। ऐसे आदमी को तो निकाल देना चाहिए। पिछले वार्डन ने ये गलती की थी, फिर वो आज इस दुनिया में नहीं है। आज आई नहीं अभी तक? कौन नहीं आई? अरे यार हमेशा तो आती है। हमेशा कौन आती है? अरे क्या खतरनाक स्माइल देती है। स्माइल देती है? हाँ स्माइल देती है। तू रूम में जा यार। कब आएगी? अभी आने वाली। रूम में जा यार। अरे रामू। सर सिस्टर सर खड़े हो। बच्चों हॉस्टल में लड़की बाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? लड़की बाजी। ये अपने हॉस्टल के आगे से कन्याएं गुजरती है, ये सब आपकी बहने हैं। क्या है? बहने हैं। गुड, पढ़ाई पे ध्यान दो। झंडे यार हॉस्टल लाइफ तो बिल्कुल। एक तो इस लंगड़े ने इतना परेशान कर रखा है। हाँ सही में परेशान कर, बहुत ज्यादा यार, क्या बताऊ। रामो भूख कहीं की? रोगी तेरे को सर बुला रहे हैं। आओ। चल एक मिनट, भर्ती को खाता नहीं। क्या ऊपर से सर बुला रहे? हेलो अब मैं मन नहीं लग रहा है अब बहुत ज्यादा आ रही है घर की, खाना वगैरह सही नहीं लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा आती है। ठीक है हाँ ठीक है सर। बुलाया आपने? बेटे सर बुलाया आपने? हाँ मैंने बुलाया। क्या हुआ? तेरे पापा का कॉल आया सर। आज इतने दिनों बात में, मैं कल बात कर लूँगा। अरे रुक रुक रुक, तीन चार कॉल आए थे सर। बात कर। अरे बात क्यों नहीं कर रहे बड़वा? क्यों चर्बी घनी चढ़ी है? नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। मैं हॉस्टल आ गया तो लट तेरा फेरूंगा। अच्छा घर से कुछ मंगवाना है? हाँ 2-3 किलो घी और सर्दी आ गई तो लड्डू भिजवा देते मम्मी के हाथ के। क्यों जापो हुई तेरे? पापा चुप। नहीं कब वो प्रेग्नेंट? ठीक पापा सर बुला रहे हैं। लो सर। ए जी सर घी आ रहा है तुम्हारे घर से? हाँ सर आ रहा है। तो मेरे लिए 1 किलो एक्स्ट्रा मंगवा लेना। जी सर मेरा आएगा तो आपके भी आ जाएगा। गणेश जी चूहे चढ़े चले सफारी भावे। अरे चड्डी लाए मेरे को ऊपर से? नहीं तुम कोई नहीं ले आए? नहीं यार चड्डी गायब हो गई, उधर गिर गई होगी। पीछे नहीं सब जगह देख लिया ही नहीं। पीछे पीछे देख लिया ही नहीं। हम नहीं लाए भैया। जोगिंदर हेलो अटेंशन, भाई की चड्डी गुम गई है, जॉकी की चड्डी है 85 नंबर की। अगर किसी ने गलती से या जानबूझ के लिए तो चुपचाप वापस कर दे भाई, अपनी पे ना आ जाए ऐसा। सुन लिया सबने? चल ब्लैक कलर की जॉकी की 85 नंबर चड्डी जो भाई की है, चुपचाप किसी ने ली है तो वापस कर दे
ये लास्ट चेतावनी समझे, बाकी चड्डी निकालना हमें अच्छे से आता है। मुझे मजबूर मत करना, ठीक है? चल यार, चड्डी का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। कितने घंटे बीत गए। जोगेंद्र सबको इकट्ठा कर यहाँ। हाँ भाई बोल। तो मतलब तुम चड्डी वापस नहीं करोगे? एक चड्डी के खातिर तुम मुझसे दुश्मनी लोगे? एक चड्डी के खातिर वापस नहीं करोगे, है ना? कर दो, वापस कर दो। जहां से उठाई वहां वापस रख दो। देखो मुझे कोई मतलब नहीं किसने ली, मुझे नहीं जानना। वो फ्री, मैंने उसको माफ किया। भाई चाहते हैं भाईचारा बने रहे। बना रहे, तोड़ना नहीं चाहते। हाँ। उसी जगह चड्डी वापस रख दो। जिसने भी ली उसका नाम भी लीक नहीं होगा, ठीक है? जाओ। शाम तक का वक्त। हाँ शाम तक का वक्त बस। इन सब की चड्डी चेक करो। लोग बोल रहे हैं चड्डी दिखाओ। ए ये मत सोचना कि छोड़ देंगे चड्डी। चड्डी बताओ, चड्डी दिखाओ, चड्डी दिखाओ। ए तेरे बता, दे दो चड्डी, दे दो, ठीक रहेगा आपके लिए। हाँ चड्डी निकालो फटाफट, चड्डी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चड्डी दे दो वरना हाथ पैर तोड़ देंगे बस। देखो मैं बता दूं, मुझे कुत्ता खुजली है और डॉक्टर ने बोला एक थोड़ा सा गुप्त रोग भी है। दे दो अच्छा रहेगा। एक महामारी मोल लोगे तुम। कहीं मत जाना, वहीं रहो। बीमारी हो जाएगी तुम्हें, बीमारी। क्या कर रहे हो यार? एक चड्डी के लिए तू इतना गिर गया? कुछ नहीं है भाई, मैं फिलो फिलो बोल दिया यार। एक के बाद 15 छेद हुए, तब तक मैं उस चड्डी को पहनता गया, न्यू नहीं लाया। एक दिन पहनी भाई, दिल पे क्या गुजरी समझ सकते तो? सालों बीमारी हो, कुछ नहीं है भाई यार। 5 साल का रुतबा एक चड्डी के लिए गमा दोगे यार? आज मेरा बर्थडे है। पार्टी? पार्टी तो दे दूं पर केक लाएगा कौन? एक रस्सी की व्यवस्था कर दो। सर का ध्यान रख। हाँ मैं रख रहा हूँ ध्यान। सर आए तो मुझे बता दे। हाँ बिल्कुल बता देंगे। उधर मरो तुम। ले जल्दी कर। माचिस नहीं है क्या? कोई बात नहीं, ऐसे ही काट दे। फूक मारता तो मन हो रहा है? मन तो है। मैं व्यवस्था करवाता हूँ माचिस की। थोड़ी सी भी हलचल दिखे तुरंत खींच लेना जी। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। जी भाई तू कूद जा लेके आना। कौन है रे? कौन है रे? बिल्ली की आवाज निकालो। बिल्ली की बिल्ली की